हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत राज केतन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU कॉन्सेप्ट पे। तो आप लोगों ने पहला क्लास मेरा किया होगा, आप लोगों ने सेट वन कंप्लीट किया होगा और उसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस 20 क्वेश्चन का ध्यान से देखा होगा और सारे क्वेश्चन को आपने याद कर लिया होगा। तो आज मेरा ये सेकेंड क्लास है और इसमें मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 20 प्रश्न। तो बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है हम लोगों का मेन बात जीसस क्राइस्ट बोर्न। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इनका जन्म हुआ था इन बिटवीन 6 BC एंड 4 BC, मतलब 6 ईसा पूर्व से लेके 4 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म हुआ था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोस्ट क्रिश्चियन बेर सेलिब्रेट क्राइस्ट बर्थ ऑन December 25। तो आपको पता है कि हम लोग 25 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, वो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के उपलक्ष्य में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो उसी दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड प्रश्न पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी जो आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, 7 में एक चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपको स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी और भी सैयद डायनेस्टी, तो ये सारे डायनेस्टी आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। तो आपको पता होगा स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जिसका शासनकाल कितना था? 1206 से 1990। तो पूरा जो सलीब डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश का शासन कितना था? 1206 से 1290, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? तो सिर्फ 1206 से 1210, मतलब कि 4 साल ही तक ही था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? 4 साल। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था दिल्ली में। और पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का काल था 1206 से लेकर 1526 तक। और 1526 में दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी राजा कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो आपको ये सारे जो भी पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको सारे को दिमाग में रखना है और अपने माइंड में मतलब रखना है, उसको जब भी जरूरत पड़े तो आपको याद आना जाना चाहिए। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग वो चैप्टर को जरूर पढ़िएगा अगर आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है तो। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इन सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। इन बीच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी आज इस्टेब्लिश्ड? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था भारत में? आपको पता होगा कि इसका स्थापना हुआ था 1600 में। ये लोग 1600 में भारत आए थे और 1600 में कंपनी की स्थापना की थी। और कंपनी का स्थापना किस आधार पे किया था? तो शाही चार्टर। तो ये शाही चार्टर कब लॉन्च हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 को उन्हें शाही चार्टर के द्वारा मतलब आदेश दिया गया कि हाँ तुम लोग इंडिया में कंपनी खोल सकते हो। और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1612 में सूरत में हुई थी। तो आप लोग इनसे भी ध्यान में रखिएगा। अलवर्डी वाज द नवाब ऑफ? तो अलवर्डी खान कहाँ का नवाब था? अलवर्डी खान तो ये हो गया बंगाल का। अलवर्डी खान बंगाल का नवाब था, जिसका शासनकाल कितना था? 1740 से 1756 तक था। तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और अलवर्डी खान का शासनकाल कितना था? 1740 से 1756। तो बैटल ऑफ प्लासी के लगभग में इनका ही शासनकाल था बंगाल में। तो अब हम लोग आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश सांसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे चुनाव किया गया था, तो इन्हें सीट मतलब सांसद में जाने का मौका मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। अपने दादा भाई नरोजी का आप और भी नाम सुना होगा, इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर दादा भाई नरोजी का नाम आए तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नरोजी। और एक सेकंड इसका निकनेम क्या है? तो अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो इन्हें भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है दादा भाई नरोजी का। अगर ये दोनों नाम आए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए दादा भाई नरोजी का बात हो रहा है। और आ जाते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे अपने। तो इन बीच ईयर आज दिल्ली आज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो दिल्ली ब्रिटिश भारत किस राजधानी किस वर्ष बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में दिल्ली कोलकाता से हटा के राजधानी को दिल्ली कर दिया गया। वो भी क्यों किया गया था? तो दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V इंडिया को विजिट किया था पहली बार, तो उसने ही यहाँ से राजधानी को कोलकाता से हटा के दिल्ली कर दिया। तो 1911 में किंग जॉर्ज V ने भारत का दौरा किया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो आपको ये याद रखना है कब हुआ था दिल्ली राजधानी कब बना? तो 1911 में बना था। और आए थे हम लोग सातवें प्रश्न में, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आपको मैंने लास्ट डे में भी एक क्वेश्चन बताया था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन था अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन था, लेकिन अगर उसमें भारतीय लग जाता है तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? सिराज गोपालाचारी। इसका मैंने आपको नोट्स भी बना के दिया लिखाया था स्क्रीन पर, तो आपको जो बोला था मैंने फर्स्ट एंड लास्ट करके वो वाला आपको याद रखना है। तो आपको याद होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी।
तो हम लोग आए थे अपने आठवें प्रश्न पे, विच टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन कावड़ी वाटर डिस्प्यूट। कावड़ी के जल विवाद में कौन दो राज्य सम्मिलित हैं? तो कावड़ी जल विवाद में कौन दो राज्य सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये साउथ का एक नदी है कावेरी, उसका बीच में मतलब विवाद चलते रहता है, तो उसका किसके दो राज्यों के बीच में विवाद चलते रहता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ पे क्या है, कावेरी इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का सबसे चौथा सबसे बड़ा नदी है कावेरी नदी, और साउथ इंडिया का सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है, तो वो गोदावरी नदी है। तो आपको याद रखना है कि ये साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, और चौथी सबसे बड़ी कावेरी हो जाएगी। बेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन टू इफेक्ट। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। और 2006 में कब लागू हुआ था, तो 26 दिसंबर 2006 को। तो इसका सिंपल यही मतलब कि घरेलू हिंसा में सुरक्षा कानून, मतलब कि महिला के साथ जो भी हिंसा किया जाता था उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया कि महिलाओं के साथ कोई हिंसा नहीं कर सकता, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो। तो ये कानून कब लागू हुआ भारत में, तो 2006 में बनाया गया था और 2006 में लागू हुआ था। विच प्लानट इज नॉन एज द ब्लू प्लानट, तो ब्लू प्लानट कौन सा है, आपको पता है आपका अपना अर्थ पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पे पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी होने के कारण पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा गया है। तो इस तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, आप सभी को पता होगा। बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, निम्नलिखित में से कौन तांबे का उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉपर कौन उपजाता है, कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइल्ड, तो आप लोग देख सकते हैं सी से कॉपर, सी से चाइल्ड, तो ऐसे करके आप लोग आसानी से इसे ध्यान में रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। तांबे का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो चाइल्ड करती है। चाइल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, तो चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद चीना और पेरू का स्थान है। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, फिर उसके बाद चाइना, फिर पेरू, तो तीन मैंने आपको बता दिया। और बीच रिवर भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड, तो भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पे है, तो भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पे स्थित है, आपको पता होगा ये सतलज नदी पे, ये भी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता तो आपको आगे भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला, तो आप लोग याद कर लीजिए भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे, तो सतलज नदी पे। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो कौन से राज्य में है ये, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सतलज नदी कहाँ है, उत्तरी भारत में कहाँ, कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो बिलासपुर में सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम जिसका नाम है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री, तो सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से उद्योगों में से किसे सनराइज उद्योग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, मतलब इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उद्योग को यहाँ पे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बेंगलुरु इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आईटी कैपिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसे कहा जाता है भारत में, तो बेंगलुरु को कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है, मतलब आईटी कैपिटल। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और हुआ भी है, तो इसी कारण बेंगलुरु सबसे ज़्यादा लीडिंग है, इसलिए कहा जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको सही आंसर पता होगा इसका 8 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। और द यूनियन टेरेटरीज ऑफ दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली हैव बिकम ए सिंगल यूनियन टेरेटरी सिंस जनवरी 26, तो आपको पता होगा कि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली जो दोनों अलग यूनियन टेरेटरीज केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उन दोनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया था और अब दोनों एक ही में एक मतलब मिल चुके हैं, तो आपकी जो भी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था, तो फिर से घट के 8 पे आ चुकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग आए थे अपने नंबर के प्रश्न पे, बीच ऑफ द फ्लोइंग गेम डेविस कप इज एसोसिएटेड, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने आंसर में कुछ गलत लिखा है, पीडीएफ में मैं सुधार कर दूंगा यहाँ पे, इसे आप मत देखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस। डेविस कप कौन सा खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है, तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, लॉन। और यहाँ पे मैंने पॉइंट भी नहीं लिखा, तो अगर मुझे कुछ पॉइंट मिलेगा तो मैं लिख दूंगा बाद में, आप लोग पीडीएफ चेक कर लीजिएगा।
तो अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मैनी मेडल्स इंडिया बोन इन 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने कितने पदक जीते? तो यहाँ पे भी मैंने कुछ अभी मिस्टेक किया, अभी मैं सुधार कर दूंगा पीडीएफ में। और इसका सही आंसर हो जाएगा एक गोल्ड और दो ब्रोंज। तो एक स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक जीता है, एक स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो होगा, दो कांस्य पदक। तो तीन मेडल जीता था टोटल, तो एक स्वर्ण पदक और दो कांस्य। और यहाँ पे चाइना ने कितने मेडल जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में? 100 मेडल, जिसमें कि 51 गोल्ड थे, 21 सिल्वर और 28 ब्रोंज मेडल थे। तो आप लोग समझ सकते हैं चाइना का क्या ओलंपिक में मतलब परफॉर्मेंस रहता है और भारत का क्या रहता है। ऐसे चाइना में ही हुआ था बीजिंग ओलंपिक, इसने मैंने आपको बता दिया कि 2008 में चाइना ने कितने पदक जीते थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो विश्व जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा जुलाई। द मेन गोल ऑफ दिस डे, इस दिन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जनसंख्या के मुद्दों का महत्व पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करना। तो जनसंख्या का मुद्दा जो भी है कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है दुनिया की, उससे के मुद्दों पर थोड़ा ध्यान देना और जनसंख्या कम करने के बारे में सोचना, इसी कारण विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉइन्ड टर्म ऑफ साइको एनालिसिस, तो मनोविश्लेषण का पद का शब्द निर्माण किसने किया था? तो मनोविश्लेषण शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सिगमंड फ्रेड। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रेड ने मनोविश्लेषण शब्द का निर्माण किया था। और यहाँ पे सिगमंड फ्रेड को आप लोग जानते हो कि यहाँ इसे साइकोलॉजी ऑफ फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रेड को मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिगमंड फ्रेड को साइकोलॉजी के पिता के रूप में भी माना जाता है। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट के दो प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है? बीच वाच द इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च इन 1975। तो 1970 में लॉन्च किया गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। 1975 में जो पहला भारत ने उपग्रह लॉन्च किया था सेटेलाइट, उसका नाम था आर्यभट्ट। और कब लॉन्च हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को। तो बस आपको ये डेट याद रखना है और पहला सेटेलाइट भारत का याद रखना है आर्यभट्ट था। तो निम्नलिखित में से किसने विंग्स ऑफ फायर का लेखन किया? तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। शायद आप लोगों ने इस किताब का नाम सुना होगा, इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो अबुल फकीर जनालबुद्दीन अब्दुल कलाम। तो आपको अगर कहीं पे आप लोगों ने इनका पूरा नाम शायद नहीं सुना होगा, तो मैंने आपको आज बता दिया APJ का फुल फॉर्म होता है अबुल फकीर जनालबुद्दीन अब्दुल कलाम। तो आपको इनका फुल नाम अगर जानना था तो आप लोग जानिए और याद भी रखिए आगे से। और इन्होंने एक और भी बुक लिखा था इग्नाइटेड माइंड्स। तो दो बुक के नाम मैंने आपको बता दिया, एक विंग्स ऑफ फायर और एक इग्नाइटेड माइंड्स। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया आप लोग उसे भी ध्यान में रखिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और फिर बस बेचू जाना है इस बार, तो जाना है। तो आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा और फिर आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं। और इस क्लास से तो आपको समझ में आ ही गया होगा सारे क्वेश्चंस। तो बस एक बार मेरा क्लास आप लोग करिए और फिर PDF पढ़िए, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, फिर आप बस उसे याद कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।